नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट जो सिखाने जा रहा हूँ मैथ की ट्रिक्स, वो है कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि हमारे मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कई बार हमें दिक्कत ये आती है कि भाई कि लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाता है, उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। तो मैंने जो सबके लिए सिंप्लीफाइड किया है वो ये है, वो आप समझा देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। मतलब कि कोई आपको दे दिए वैल्यूज़ हैं, जिसमें बहुत सारी सीरीज है, बहुत लंबे वीडियोज़ हैं, पर मैं आपको जो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई वैल्यू दे दी है 8 8 8 8 × 25, ठीक है, अब ये आपको एक वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, ठीक, इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको करना है क्या है, इसके आगे दो जीरो लगा देना है, ठीक है, ठीक है, इसके आगे दो जीरो लगा देना है और इसको चार से डिवाइड कर देना है। चार से डिवाइड करेंगे 2 2 2 2 2 0, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली मतलब कि आपको इसको जो भी वैल्यू है, आपको इसको क्या करना है, एक्स जो भी 25 है, तो उसको एक्स को डिवाइडेड बाई 4 × 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड 25 से कोई भी आपको वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी तरीके की वैल्यूज होती है जो हमारे पास में, वो इस तरीके की होती है, जैसे मानिए चलिए आपको दे दिया किसी ने कि 125 को करना है पूरे, 8 8 8 8 × 125, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिंपली, इसको आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाई 8 × 1000, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिंपल सिंपल से ट्रिक्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जैसे अगर कहीं भी आपको कोई लंबी चौड़ी वैल्यू दे दी गई है जो आपसे इजीली शॉर्ट आउट नहीं हो रही है, जैसे मान के चलिए आपको 9 12 3 4 × 50 करना है, ठीक है, अब इसको आप कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ, ये जब 9 2 3 4 × 50 करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 100 / 2 की फॉर्म में लिखिए इसको, तो इसको 2 से डिवाइड करना है, तो सिंपल सा काम है आपके पास में, 46 और ये 17, ठीक है, × 100 लेना है। तो ये आपका इजीली, मतलब ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को अगर यूज़ करेंगे तो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।